we pool of instrument, we measure the behavior of our test, measure of a sample. Sample. Yes, sir. Or measurement. Set of certain questions. Something. The examiner can judge the mental abilities, knowledge, speciality, abilities, and knowledge of an individual. मेजरमेंट क्या होती है? स्कोरिंग ऑफ टेस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के फौरन बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करें, डिस्टर्बेंस हो जी. असेसमेंट फिर क्या होगा? ठीक है. इवैल्यूएशन क्या होती है? ये नजमा आपसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया, आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है, प्लीज इसको ऑफ रखें. शायद आप फैन के सामने बैठी हैं. जी इवैल्यूएशन क्या होती है? एजुकेशन के अंदर हमने जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही समझते हैं कि शायद असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट ये सिमिलर चीज़ें हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. टेस्ट को तीन तरह से डिफाइन किया जाता है. अगर इनकी हायरार्की हम देखें तो टेस्ट बिल्कुल बॉटम पे होता है, स्मॉलेस्ट लेवल, नर्वेस्ट इन स्कोप जो है वो टेस्ट होता है, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप वो इवैल्यूएशन होती है. इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्ट तीनों आ जाते हैं. ठीक है, अब हम इनको वन बाई वन देखते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट की. अब देखें टेस्ट, मैंने कहा कि इसको हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं. सबसे पहले टेस्ट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है. रिसर्च के अंदर टेस्ट को एक इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है. ठीक है, रिसर्च में टेस्ट को इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है. किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट? डाटा कलेक्टिंग डिवाइस, टूल या इंस्ट्रूमेंट इसको कहा जाता है. किससे हम किसी, यानी मसलन हम स्टूडेंट पे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम बच्चों से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, टीचर से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हम क्या लेते हैं, कोई टेस्ट ले लेते हैं फर्स्ट करें, तो वहाँ पर टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट या टूल या डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जाता है. अब एक टीचर क्लास में अपने बच्चों की असेसमेंट करना चाह रहा है तो यहाँ पे वो टेस्ट एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर बन जाएगा. ठीक है, किसके लिए? गेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक जो वो कोई तरीक़ेकार अपनाता है, चाहे वो तहरीरी है, चाहे वो ज़बानी सवाल पूछता है, वर्बल क्वेश्चन कर लेता है, तो ये भी एक टेस्ट होगा. तो ये दूसरी डेफिनेशन होगी. तीसरी डेफिनेशन जिससे मैं और आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि सवालात के मजमूए को टेस्ट कहा जाता है. सेट ऑफ क्वेश्चन या सम ऑफ क्वेश्चन, हर सवाल का फिर एक सही जवाब भी मौजूद होता है, तो इसको हम टेस्ट कहते हैं. टेस्ट की तीन डेफिनेशन है. सबसे पहले हमने कहा कि एक डाटा कलेक्टिंग डिवाइस होता है टेस्ट, या एक फॉर्मल सिस्टमेटिक प्रोसीजर है बच्चों से उनकी प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो यूज़ किया जाता है. और तीसरी डेफिनेशन की सबसे कॉमन वो ये है कि टेस्ट एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, यानी सवालात का मजमूआ. अच्छा, आप जो है वो तीसरी जमात को मैथ्स पढ़ाते हैं फर्ज करें, तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपने उनको एडिशन पढ़ा दी, अब ये जानना चाहते हैं आपके बच्चों को समझ लगी है कि नहीं लगी. आप क्या करते हैं? तीन या चार या दस या बीस जितने भी सवालात हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप जो है उन सवालात का एक सेट तैयार करते हैं, एक मजमूआ तैयार करते हैं, बच्चों से कहते हैं कि बेटा आपका टेस्ट होगा. ठीक है, आप उनको मेजरमेंट, असेसमेंट या एवेल्यूएशन वर्ड यूज़ नहीं करते, आप कहते हैं कि बेटा आपका टेस्ट होगा. ठीक है, तो क्या मतलब आप ले रहे होते हैं कि आप कुछ सवालात उनको देंगे, वो जो है उन सवालात के जवाबात आपको प्रोड्यूस करके देंगे. तो अब आपने बच्चों को बता दिया, एक टेस्ट बना लिया. टेस्ट बनाने के बाद अगले दिन बच्चे आते हैं, आप उनको वो टेस्ट दे देते हैं, बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, आपको अपने आंसर की प्रोवाइड कर देते हैं. अब अगले नंबर पे आप उसकी स्कोरिंग करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उसको नंबर लगाते हैं, मार्किंग करते हैं. ठीक है, अब आपने हर बच्चे के नंबर, मार्क्स या स्कोर लगा दिए, दूसरा काम हो गया, मेजरमेंट आपने कर दी. ठीक है, उसके बाद होती है असेसमेंट. अब आप सारे बच्चों के स्कोर को देख रहे होंगे कि कितने बच्चों, कौन बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया, कितने पास हुए, कितने फेल हुए,
जो लायक बच्चे हैं उनका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको कौन कौन का कौन सा वो एरिया को कदर बेहतर है बाकी एरिया से। अब आप जो है उस मेजरमेंट को यानी जो आपने उनकी स्कोरिंग कर दी है उसकी बेस पे बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया यानी वो टेस्ट के ज़रिए आपने उसकी स्कोरिंग कर ली, अब आप उसकी इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने किस कदर जो है वो परफॉर्मेंस उनकी रही है या कितना उन्होंने समझा या नहीं समझा। अब असेसमेंट आपने कर दी, फिर आप उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट कर देते हैं, वालदैन को कॉल कर देते हैं, मैसेज पे रिपोर्ट दे देते हैं, पेरेंट्स को स्कूल में बुला देते हैं ताकि अगले टेस्ट के अंदर, अगले आने वाले इम्तिहान के अंदर बच्चे की प्रोग्रेस बेहतर हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो कॉमन होती हैं यूज़ हमारे यहाँ। एक टर्म यूज़ होते हैं इवेल्युएशन। अब जो इवेल्युएशन है उसके अंदर पहले तो पहली बात तो ये है कि ऊपर वाली ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इस सर्कल में ओवल शेप में कि असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्ट तीनों आ जाती हैं एक तो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मैंने बताया कि असेसमेंट के बाद आप उस प्रोसेस को जिसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं उसको बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जो इवेल्युएशन होती है ना ये हमेशा एंड पे होती है, यानी इसके बाद आपके पास किसी चीज़ की दुरुस्तगी के इम्कान, चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। सर स्लाइड शो रही होगी, प्लीज स्लाइड शो कर दो। स्लाइड बाकी लोगों को शो हो रही है? शो आपको नहीं हो रही होगी? जिनको सर हो रही है, जिनको शो नहीं हो रही काइंडली वो ना सर मुझे शो, जी जिनको नहीं हो रही वो एक दफ़ा लीव कर दें क्लास को और दोबारा लिंक से ज्वाइन कर लें। अच्छा, आप देखें इवेलुएशन जो है, इवेलुएशन हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल एंड पे होगी। अब देखें इवेलुएशन में कितनी चीज़ें चेक हो रही होंगी, टीचर की टीचिंग, बच्चे की लर्निंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। हर एक चीज़ जो है वो इवेलुएशन के अंदर जज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल होता है, ये सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। इवेलुएशन को हम कहते हैं कि ये जजमेंट होती है। एक नंबर का सवाल बल्कि 2 से 3 मार्क्स जो है वो इसी एक स्लाइड में से पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एज़ इट इज़ पूछा जाएगा, कभी पूछा जाता है कि नर्वेस्टिंग स्कोप क्या है, कभी पूछा जाता है कि जजमेंट किसको कहते हैं, कभी पूछा जाता है कि असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है, कभी पूछा जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है ये किसको, इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज से सवाल आ सकते हैं। अच्छा, अब वैल्यू, वर्थ या क्वालिटी जजमेंट होती है इवेल्यूएशन, कब होगी? एंड पे होगी। और इसके बाद हमारे पास किसी भी सिस्टम या चीज़ या प्रोग्राम को ठीक करने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा बिल्कुल हम एंड पे करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ओवरऑल वर्थ बताते हैं कि ये सिस्टम हमारा ठीक रहा एकेडमिक या ठीक था, अच्छा था, बुरा था, क्या नहीं था। तो जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टेस्ट, जजमेंट ऑफ वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस इज नाउन एज इवेल्युएशन। इनका करेक्ट सीक्वेंस है टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। इन चारों को हम टेस्टिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। एग्जांपल से बता दें टेस्ट, हाँ अब जैसे देखें आप इवेल्युएशन को, हाँ मैं बता रहा हूँ, अब जैसे देखें मैट्रिक का एग्जाम होता है, ठीक है, या आप जो है अपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो आप करते हैं साल के आखिर पर आप जो इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है, यानी एक तालीमी साल के एंड पे आपने बच्चे को पास फेल करना, उस वक्त जो जो आप इवेल्युएशन करते हैं, जो बच्चे की प्रोग्रेस आप मेजर कर रहे होते हैं उस वक्त ये इवेल्युएशन आप कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिड टर्म एग्ज़ाम होता है या फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ये भी आपकी इवेल्युएशन के एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक हो गया जी। तो ये बेसिक हमारी टर्म्स थी, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। और इनका करेक्ट सीक्वेंस भी यही है, टेस्ट लीस्ट इन स्कोप है और इवेल्युएशन ब्रॉडेस्ट इन स्कोप है। व्हाट इज़ मीन बाय अप्रोच या व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ असेसमेंट, अप्रोच क्या होती है और असेसमेंट की अप्रोचेज कितनी हैं? जी कोई बता सकता है अप्रोच किसको कहते हैं? उसकी तो अप्रोच इतनी अच्छी है, क्या मतलब होता है उस अप्रोच का? सर अप्रोच जरिए को बोलते हैं, और इसमें जो असेसमेंट की तीन अप्रोचेज हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल उन्होंने सही बताया। अप्रोच जो है किसी सोर्स को, जरिए को आप कह सकते हैं, किसी चीज़ तक पहुंचने को कह सकते हैं। असेसमेंट टू अप्रोचेस टू असेसमेंट, ये तीन होती हैं। अब ये देखें असेसमेंट सबसे आसान चैप्टर है हमारी एजुकेशन के कोर्स में, सबसे आसान तरीन जो चैप्टर है जिसमें आपको एक तो चीज़ें जल्दी समझ लग जाती हैं, जल्दी याद हो जाती हैं और इसमें से सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये सबसे आसान भी है।
असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मैं लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में। अब मेरा टीचर मेरी असेसमेंट करता है, मैं जैसे ही जाता हूँ टीचर सवाल यानी सेशन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सवाल, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, ठीक है, जब किसी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले या लेक्चर के दौरान, नोट कीजिएगा पॉइंट, बिफोर क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन या बिफोर स्टार्टिंग लेसन और ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, पहले या दौरान तदरीस, एक टीचर जितनी तरह के सवालात करता है उसका मकसद एक ही होता है, वो ये होता है कि बच्चे को कितना पता है, बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो इसको कैसे मैंने बेहतर करना है। तो वो तमाम तरह की असेसमेंट जो बिफोर और ड्यूरिंग लेक्चर या टीचिंग की जाती है, किस लिए की जाती है, बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, प्रोग्रेस को देखने के लिए कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, या टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्या कहलाती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाती है, ठीक है। बच्चों को इस पर हम फीडबैक भी देते हैं, जैसे टीचर ने स्टार्ट में पूछा जो है कोई टॉपिक, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया तो आप ठीक बताएंगे तो मैं आपको एक्सीलेंट कह रहा होता हूँ, अगर आप नहीं बताते तो मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये फीडबैक होता है, जो रिस्पॉन्स टीचर देता है बच्चे के किसी आंसर पे तो उसको फीडबैक आ जाता है, फीडबैक भी दिया जाता है इसके अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग में। अच्छा, इसके टोटली अपोजिट, टोटली उल्ट होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब एक टीचर पढ़ा लेता है, यानी जैसे हमने अभी इवैल्यूएशन की बात की, एक टीचर मुकम्मल अपना टॉपिक ख़त्म कर देता है, पढ़ाने के बाद एंड पे वो जो भी सवाल करेगा वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी। अब पहले वो क्यों असेसमेंट कर रहा है, इसलिए कर रहा है पहले या दौरान के बच्चे की एक तो नॉलेज चेक कर ले कि उसको कितना पता है ताकि उसके अकॉर्डिंग में उसको पढ़ाऊँ, जब पढ़ाना शुरू कर देता है उस दौरान वो इसलिए पूछता है कि इसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब जब वो पढ़ा लेता है ना तो एंड पे जो वो सवाल करता है वो बेसिकली बच्चे की इवैल्यूएशन कर रहा होता है एंड पे जाके। वो क्यों कर रहा होता है, वो ये इसलिए कर रहा होता है कि मेरा जो मेथड था, जिस जो एक्टिविटीज़, जो मेथड, जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स, जो कुछ मैंने इस्तेमाल किया, क्या वो इफ़ेक्टिव रहा कि नहीं रहा, तो वो एंड पे जाके जो भी सवाल करेगा, या इसी तरह एंड ऑफ एकेडमिक ईयर या सेमेस्टर आप जो एग्ज़ाम लेते हैं वो भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। ये क्यों की जाती है, टू डिमॉन्स्ट्रेट अचीवमेंट या परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस या अचीवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जाहिर करने के लिए ये असेसमेंट की जाती है। अब एक और भी असेसमेंट होती है, अब जैसे देखेंगे टीचर ने टास्क दे दिया, कोई क्लास वर्क दे दिया, कोई होमवर्क दे दिया, अब दो बच्चे मिल के उस होमवर्क को पूरा करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से सवाल जवाब वो कर रहे होते हैं, एक बच्चा पहले वाला बच्चा दूसरे से सवाल करता है, दूसरा पहले से सवाल करता है, एक ये भी है, एक ये है कि हर बच्चा खुद अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहा होता है कि टीचर ने मुझे इसकी समझ आई है कि नहीं आई, मुझे टीचर से पूछना चाहिए कौन से टॉपिक की मुझे सही समझ आई, कौन से टॉपिक की सही समझ नहीं आई, तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। एक बच्चा जब अपनी असेसमेंट खुद कर रहा हो या उसका कोई पीयर यानी उसका कोई क्लासमेट उसकी असेसमेंट कर रहा होगा तो ये असेसमेंट एज लर्निंग कहलाएगा। जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग पहले और दौरान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड पे, असेसमेंट एज लर्निंग बच्चा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है या उसका कोई दोस्त कोई पीयर उसकी असेसमेंट कर रहा है तो इसको हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। आप इसकी एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। असेसमेंट फॉर लर्निंग में मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि कोशिश मैं करूँगा कि आज जो है आधा घंटा हम लें मैक्सिमम, इसमें वाइंड अप करें लेक्चर को। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बल्कि हम प्लेसमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट, आप में से अक्सर लोगों ने प्राइवेट स्कूल में जॉब की होगी, किसी कॉलेज में जॉब की होगी, तो प्राइवेट स्कूल वालों का ना एक ट्रेंड होता है, कुछ हमारे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल का, पब्लिक सेक्टर स्कूल का भी होता है ट्रेंड कि जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है तो पहले उसका प्री टेस्ट लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि क्या ये बच्चा वाकई तीसरी पाँचवीं आठवीं किसी भी क्लास जिसमें वो एडमिशन चाहता है उसमें बैठने के काबिल है, अगर होता है तो एडमिशन दिया जाता है टेस्ट के बाद, अदरवाइज नहीं दिया जाता। तो प्लेसमेंट असेसमेंट किसी बच्चे को किसी ग्रेड में किसी जमात में बिठाने के लिए जो टेस्ट हम देते हैं उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक रेडीनेस टेस्ट है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टीचर जो सवाल करता है उनको हम रेडीनेस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बच्चा रेडी है, इसका प्रीवियस नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड कितना है, इसको क्या कहा जाता है, रेडीनेस टेस्ट या रेडीनेस असेसमेंट।
फिर टीचर ने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट और करने ये के तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गई फिर क्या चीज सर, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है, कैसे आएगा फॉर्मेटिव तो जी सर उसी की सब सब नहीं उसकी सब टाइप नहीं है, उनसे पूछने दे जी कैसे आएगा ये फॉर्मेटिव में। जी एक लेक्चर स्टार्ट ही नहीं किया अभी उसने और उससे पहले वो सवाल कर रहा है, तो ये फॉर्मेटिव नहीं होता, ये रेडीनेस टेस्ट होता है, ठीक है, या रेडीनेस असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव कब होती है, जब उसने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। सर आपने कहा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, हाँ तो पहले वाली बात है ना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट याद रखिएगा ड्यूरिंग असेसमेंट होगी, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होगी, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, हाँ वो ड्यूरिंग होती है, पहले नहीं होती कभी भी। किसी बच्चे को किसी ग्रेड में बिठाने के लिए टेस्ट हम लेते हैं उसको प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो है वो मतलब कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले होती है। सॉरी क्या कहा दोबारा पूछें सर, मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी बुक्स में हमने ऐसे ही पढ़ा है, मोस्टली बुक्स में बल्कि ऐसे पढ़ा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो लेक्चर शुरू करने से पहले होती है। अच्छा, तो मतलब ये स्टूडेंट का बिल्कुल गलत पढ़ा है, आप दोबारा पढ़िएगा, आपको किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो असेसमेंट आप करते हैं उसको फॉर्मेटिव कहते हैं, किसी भी बुक में नहीं होगा। जी सर बिल्कुल एब्सोल्युटली ये भेजिएगा मेरे इल्म के मुताबिक, ठीक है ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा कोई मसला नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज माई इन्फॉर्मेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले नहीं होती। अच्छा फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात कर रहे थे कि अब उसने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, उसने टीचिंग प्रोसेस जो भी उसका टॉपिक है लेक्चर है लेसन है वो प्रेजेंट कर रहा है। अब टीचिंग के दौरान इंस्ट्रक्शन के दौरान जितने तरह के सवाल वो कर रहा है, इवन वो जो क्लास वर्क दे रहा है बच्चे को, ज़बानी सवाल पूछ रहा है, रिटन दे रहा है, दो बच्चों को कह रहा है कि आप आपस में क्वेश्चन करें एक दूसरे से और फिर मुझे बताएं, तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। असेसमेंट अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड यूजुअली अकर रेगुलरली थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, स्टार्ट करने से एंड तक जितने सवाल होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएंगे। इसका मकसद क्या होता है, बच्चे की जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना कि क्या बच्चा लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसके साथ साथ टू प्रोवाइड फीडबैक, और अगर बच्चा सही समझ रहा है तो उसको अच्छा फीडबैक देना, नहीं समझ रहा तो उसको बताना कि इसको कैसे आप ठीक कर लें, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, इसी तरह एक होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किसी को रीडिंग का प्रॉब्लम है, किसी को लिसनिंग का प्रॉब्लम है, किसी को विजन का प्रॉब्लम है, तो इनको हम कहते हैं लर्निंग लिमिट्स या लर्निंग डिफ़िकल्टीज, ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये प्रॉब्लम्स के, इनको लर्निंग लिमिट्स या लर्निंग डिफ़िकल्टीज कहते हैं। अब हमारी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, किसी बच्चे को जल्दी समझ आती है, कोई बहुत स्लो लर्नर होता है, यानी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे कुछ बच्चों को, तो हम इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक असेसमेंट कर लेते हैं कि हमारे कितने बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लेसन को प्लान करें, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन दें, अपना लेक्चर उसी तरह से डिलीवर करें कि जिन बच्चों को इस तरह के मसाइल हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकें। तो बिफोर क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शन नोइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर मेडिकल रीजन आर डिफिकल्टीज इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज नाउन एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये सारी के सारी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, ड्यूरिंग हो रही हैं या बिफोर क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जैसे ये रेडीनेस प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक ये जो है वो बिफोर हैं, और बिफोर क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन है, और फॉर्मेटिव ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ये सवाल मैंने आज आपसे पूछा था, द पर्पज़ ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग इज़ टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड लर्निंग को बेहतर करना, ये हर क्लासरूम असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। अब दूसरा है असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग किसको कहते हैं, मैंने कहा कि एक बच्चा अपनी असेसमेंट खुद कर रहा है,
ठीक है, या उसका कोई पीयर, उसका कोई दोस्त उसकी असेसमेंट कर रहा है, ये असेसमेंट एज लर्निंग अप्रोच कहलाती है। अब इसकी हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे, एक है इप्सिटिव असेसमेंट, एक है सेल्फ असेसमेंट, एक है पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल। इप्सिटिव असेसमेंट कौन सी होती है, मैंने एक टेस्ट दिया आज, ठीक है जी, मैंने एक, जी ठीक है सर, मैंने सुना शायद आप पूछ रहे जी, अच्छा मैंने एक टेस्ट दिया आज, ठीक है, उसमें मेरे 20 में से स्कोर आए हैं 18 18, मेरे टीचर ने जो है 2 दिन बाद मेरे से टेस्ट लिया, अब उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 15, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आज वाले टेस्ट की जिसमें मेरे 15 मार्क्स हैं और 2 दिन पहले जो मैंने दिया जिसमें मेरे 18 मार्क्स हैं, मैं उन दोनों टेस्ट की परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को खुद कंपेयर कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस कम हुई है या ज़्यादा हुई है, क्यों हुई है, किस वजह से कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो मुझे इससे और मज़ीद आगे कितना आगे जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं कि जब एक बच्चा अपनी करंट परफॉर्मेंस और अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस दोनों को मैच करता है, देखता है इम्प्रूविंग एरियाज देखता है या अपनी सक्सेस देखता है, तो इसको इप्सिटिव असेसमेंट कहा जाता है। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट में एक बच्चा जनरली ओवरऑल अपने, यानी इप्सिटिव में 2 टेस्टों को कंपेयर किया जाता है, 2 मुख्तलिफ टेस्ट जो मुख्तलिफ अवकात में दिए गए होते हैं उनको कंपेयर कर रहा होता है बच्चा। सेल्फ असेसमेंट में बच्चा जो है ओवरऑल एनालिसिस कर रहा होता है कि टीचर ने अभी जो मैथ्स का क्वेश्चन मुझे समझाया तो इसकी मुझे समझ लगी है कि नहीं लगी, ठीक है, या किन एरिया किन टॉपिक्स पे मेरी अच्छी ग्रिप है, किन पे नहीं है, तो उनको कैसे मैंने ठीक करना है, ये सेल्फ असेसमेंट कहलाती है। देन आता है पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल, इसको ये किसको कहते हैं, पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल कहते हैं कि जब बच्चे एक दूसरे के असेसमेंट कर रहे होते हैं तो ये पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल कहलाती है, ठीक है। अब इस पर एक तो बच्चा असेसमेंट करता है प्लस उस पर फीडबैक भी देता है, मैं और मेरा कोई क्लासमेट फर्ज करें हम 12वीं जमात के स्टूडेंट हैं, टीचर ने कोई क्लास वर्क दिया, हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, सही जवाब बताने पे कहा जाता है वेल डन, गलत जो नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये फीडबैक कहलाता है। और जब पीयर एक दूसरे को फीडबैक दे रहे होते हैं इट इज़ नाउन एज पीयर रिव्यू, इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहा जाता है, पीयर रिव्यू कहा जाता है। तो ये है असेसमेंट एज लर्निंग। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अब ऑफ लर्निंग की फर्दर हम 3 टाइप्स यहाँ पे देखेंगे, सबमेटिव, इंटरिम, जब बेंचमार्क एंड कंटिन्यूस असेसमेंट, आसान है ये तीनों भी। समेटिव असेसमेंट क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के एंड पे, किसी भी एकेडमिक ईयर के एंड पे, ठीक है, किसी भी चैप्टर के एंड पे जो आप असेसमेंट करते हैं उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी क्वेश्चन आपका था, आप में से मेजॉरिटी ने जो है वो सिर्फ सबमेटिव पे क्लिक किया हुआ था, जबकि इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग और आगे बोथ के ऑप्शन भी थे, उसकी तरफ आपने जो है तवज्जो नहीं दी। और यही मसला स्टूडेंट के साथ होता है जब वो पेपर में बैठते हैं तो एक ही लाइन में पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, वो कहते हैं यही है बस, ठीक है, हालांकि आपको एटलीस्ट 2 दफ़ा किसी भी MCQ की स्टेटमेंट और उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, इवन आपको पता भी है कि इसका यही जवाब है, फिर भी एक दफ़ा आप तवज्जो से उसको पढ़ें। अच्छा जी, सबमिटिव हो गया। उसके बाद इंटरिम या बेंचमार्क, इंटरिम या बेंचमार्क क्या है, अब इसमें ना कोई हम टाइम फ्रेम फिक्स नहीं करते, ठीक है, ये होती सबमेटिव की टाइप ही है इंटरिम या बेंचमार्क, बट इसमें ना हम कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं कर रहे। मसलन एक आपका सब्जेक्ट है ना, उसके हैं 6 चैप्टर, तो टीचर कहता है जिस दिन हम पहला चैप्टर मुकम्मल करेंगे उससे अगले दिन, या उससे जो नेक्स्ट जो कमिंग मंडे होगा तो उस दिन आपका जो है ये टेस्ट होगा, यानी इसमें हम टाइम फ्रेम या उसको स्केड्यूल नहीं कर रहे होते किसी भी टेस्ट को या असेसमेंट को, बट ये होती एंड पे है, किसी एकेडमिक पीरियड के एंड पे, ग्रेडिंग सेशन के एंड पे या किसी यूनिट के एंड पे, ठीक है, इसको हम इंटरिम या बेंचमार्क असेसमेंट कहते हैं। एवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट पीरियडिक इंटरवल फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ अ ग्रेडिंग पीरियड, ठीक है, यानी किसी जैसे जैसे मैंने कहा 6 यूनिट हैं, हर यूनिट के बाद वो टेस्ट ले रहा है, या वो कह रहा है कि किताब के 3 हिस्से मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, पहले 2 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में हैं, अगले 2 सेकेंड में हैं और अगले 2 थर्ड में हैं, जैसे हम पहला पार्ट मुकम्मल करेंगे ग्रेडिंग पीरियड इसको कह लें आप, ये मुकम्मल हम करेंगे तो टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरिम या बेंचमार्क असेसमेंट। इससे बिल्कुल मिलती जुलती एक और समेटिव असेसमेंट होती है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस असेसमेंट। अब एक टीचर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर
हफ्ते के बाद या फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद या मंथली महीने के बाद क्या कर रहा होता है, असेसमेंट कर रहा होता है बच्चों की, यानी वो कहता है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है ये फाइनल है, इसके बाद मैंने आपकी असेसमेंट करनी है, ठीक है। या वो कहता है कि जी मैंने हर मंडे को आपकी असेसमेंट करनी है, हर महीने की यकम तारीख को मैंने आपकी असेसमेंट करनी है जितना हमने पढ़ लिया है, तो इसको क्या हम कहते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट कहते हैं, ठीक है जी। यानी इसमें टाइम फ्रेम फिक्स सर होता है, उसमें नहीं होता, इसमें डेली वीकली मंथली जी। सर ये साउंड में काफी डिस्टर्बिंग हो रही है शुरू से ही, अगर आवाज का इशू सब लोगों को है? एक जी अच्छा, सर आवाज आपकी नो जो सर, इशू है वो रीज्वाइन कर लें जी। क्या पूछ रही हैं आप? कंटिन्यूअस असेसमेंट में टाइम ऐसे फिक्स होगा कि अगर वीक बाद टेस्ट हो रहा है तो फिर वो वीकली ही चलेगा। हाँ, वो ऐसे चलता रहेगा, यानी हर वीक के बाद, हर महीने के बाद, तो उसमें हम टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम के बाद आपकी असेसमेंट होगी। अच्छा चलें जी, अब अप्रोचेज आपने पढ़ ली हैं, आपने अब इसको क्रिटिकली इवेलुएट करना है अपने ही माइंड्स में, अपने ही जहन के अंदर, और फिर मुझे इस सवाल का जवाब देना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। जी ये जो आपने अभी पढ़ा है इसी के अंदर आपका सवाल, इस सवाल का जवाब मौजूद है जी, कौन बताएगा? जी सर, जो डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस प्रोसेस लर्निंग एज लर्निंग में आएगा और प्रोडक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा, ऑफ ऑफ लर्निंग में आएगा। सर जी प्रोसेस जो है वो फॉर असेसमेंट में, और सर जो प्रोडक्ट है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आएगा। जी कोई और बताया जी, इसको कंप्लीट करें, असेसमेंट एज सर ये लर्निंग को किधर प्रोसेस रख रहे हैं आप लोग? जी जी बोलिए सर, प्रोसेस फॉर्मेटिव या डाइजेस्टिव असेसमेंट में और दूसरा समेटिव में? नहीं, मुझे एज ऑफ और फॉर को इसमें ना मर्ज करके बताएं, सर फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक प्रोसेस बना जाए जी। सर इट सर इसमें प्लानिंग जो प्रोसेस है ना, उसमें प्लानिंग और मतलब मैंने जो इम्प्रूवमेंट पूछा है फीडबैक मैं कर रहा सारा हूँ, कुछ मुझे वो प्रोसेस में जवाब आएगा। दें, मुझे मैंने जो पूछा है मुझे वो बताएं। मेरा सवाल ये है, सवाल समझें, प्रोसेस असेसमेंट मैंने 3 अप्रोचेस पढ़ाई है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ प्रोसेस लर्निंग, एज असेसमेंट लर्निंग फॉर में लर्निंग। आएगा, प्रोडक्ट जो है ये ऑफ लर्निंग में आएगा सर। वो ठीक सर है, प्रोसेस सर सवाल जब तक सुनेंगे नहीं, बोलते रहेंगे सर तो ऐसे ही प्रोसेस होगा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जी, आंसर दें, प्रोडक्ट असेसमेंट क्लास ऑफ वर्नेकुलर को लर्निंग मेंटेन रखें, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं मेरी गुजारिश सुने, मेरा सवाल आप लोग सुनते ही नहीं हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है, मैंने कहा है कि असेसमेंट फॉर एज और ऑफ लर्निंग ये 3 अप्रोचेस पढ़ाई हैं, इनको इनके अंदर मर्ज करके बताएं। आप 2 का बता रहे हैं, एज को स्किप कर रहे हैं, तो कोई एक मुझे बता दे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग इनमें किस किस के अंदर आएगा? जी सर एज प्रोसेस प्रोसेस में आएगा सर, एज असेसमेंट एज लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, और सर फॉर भी प्रोसेस में आएगा सर, जो प्रोडक्ट है उसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग आएगा। यस बस इतनी सी बात थी, ठीक है। यानी प्रोसेस लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जितनी भी असेसमेंट हो रही है वो आपकी प्रोसेस असेसमेंट कहलाती है, और टीचिंग लर्निंग के बाद एंड पे वो आपकी प्रोडक्ट असेसमेंट होगी। बिफोर या ड्यूरिंग आप कह सकते हैं कि वो असेसमेंट एक टीचर लेक्चर स्टार्ट करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जितनी तरह की वो असेसमेंट वर्बल, रिटन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बच्चों से कर रहा होता है वो उसकी प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट या सिंपली प्रोसेस असेसमेंट कहलाती है। और एक लेक्चर के एंड पे जितनी तरह के सवालात टीचर पूछता है वर्बल या रिटन, वो उसकी प्रोडक्ट असेसमेंट कहलाती है, ये इवेल्युएशन होती है, या सबमिटिव असेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन की 4 बेसिक टाइप्स होती हैं, ये सारी अभी हमने पढ़ ली हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट ये स्टार्ट पे होती है, किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक क्लास या ग्रेड में प्लेस करने के लिए। डायग्नोस्टिक बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, अब जैसे देखें ना, एक बंदे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, अब डॉक्टर उसको दवाई तो नहीं लिख के देता फौरन, वो उसके टेस्ट करता है, उसको एनालिसिस करता है, उसके बाद उसको दवाई लिख के देता है, तजवीज़ करता है। इसी तरह एक टीचर भी डायग्नोज करता है कि मेरे बच्चों को कहाँ पर मसाइल हैं,
वो ये नहीं करता कि पढ़ाना शुरू कर देता है, पढ़ाने के दौरान वो देखेगा कि जी जैसे डॉक्टर ऐसे तो नहीं कर सकता कि दवाई दे दे उसको, देखे उसकी शक्ल देख के दवाई दे दे, वो दवाई उसको सूट ना करे तो वो दोबारा जो है उसे कहेगा अच्छा ये चेंज कर लेते हैं, वो भी ना लगे इतने तक बंदा पूरा हो जाए। तो ऐसे ही हमारा टीचर भी क्या करता है, पहले उसको एनालिसिस करता है, डायग्नोज करता है बच्चे को, देन जो है उसके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी प्लान करता है। फॉर्मेटिव हमने पढ़ा है ड्यूरिंग लेक्चर जो होती है, सबमेटिव जो एंड पे होती है। ठीक है जी, ये लेकिन लास्ट टॉपिक हम डायग्नोज अभी करने पढ़ेंगे जी, फेजेस जी। सॉरी के लिए मैं कह रही हूँ, डायग्नोज करने के लिए कि आप कह रहे हैं ना कि डायग्नोज वो मतलब पहले उसको उसकी नीड के मुताबिक उसको पढ़ाएगा, तो डायग्नोज करने के लिए पहले उसको कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट का देखना पड़ेगा ना कि वो उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी हाँ है या नहीं बच्चा है। वो जब हाँ तक इसकी से बड़ी सिंपल सी बात है, वो बच्चों से कहेगा कि जी रीडिंग करें, ठीक है सारी क्लास जो एक एक लाइन रीडिंग कराते हैं। अब वो देख लेगा कि दो तीन बच्चों को रीडिंग का प्रॉब्लम है, वो बोर्ड के ऊपर लिख देता है, बच्चों से रैंडमली पूछता है मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं। अब किसी बच्चों को स्टटरिंग यानी बोलने का प्रॉब्लम है, वो हर बच्चे से कहता है जी अपना नाम बताएं पहले दिन, ठीक है अपना नाम और वालिद का नाम बताएं। एक बच्चा जो है उस तो तलाहट है उसकी ज़बान में, स्टटरिंग का प्रॉब्लम है उस बेचारे को, टीचर को पता चल जाएगा। तो ये टेक्निक्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये स्टार्ट है सर, जी। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक। आप रीज्वाइन कर लें, आवाज़ का इशू बाकी लोगों को तो नहीं है ना जी? नो नो सर, हमें तो क्लियर आ रही है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है हमारा जी आज सेकंड क्लियर सेशन का, वो है फिर सर इवैल्यूएशन। आवाज का इशू है, स्टार्ट से ही मतलब आप रीज्वाइन डिस्कशन कर हो रहे रही हैं है ना, काफी। देखें देखें मेरी आवाज़ अगर किसी एक बंदे तक क्लियर पहुंच रही होती है तो इसका मतलब यह है मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की तरफ से इंटरनेट का इशू होता है, मतलब जी नेटवर्क सर, के। मैंने तकरीबन 3-4 दफा दोबारा हाँ वो एक्सेट करके सिग्नल, रिजाइन किया, हाँ वो मेरी जान सिग्नल आपके वीक होंगे ना। नेटवर्क का ही सर इशू लग रहा है। हाँ, अगर मेरी आवाज़ का इशू होता है ना सबको हो तो फिर मैं रीज्वाइन कर लेता हूँ खुद ही ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार के मेजोरिटी को मेरी आवाज़ क्लियर है, अगर मेरी आवाज़ का इशू होता सबको तो फिर मैं रीज्वाइन कर लेता, फिर आवाज़ मेरी बेहतर हो जाती सबके लिए। बट अब चूंकि ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है तो आप ही किसी अच्छी सिग्नल वाली जगह पे तशरीफ़ ले जाएं। फेजेस ऑफ इवेलुएशन, इवेलुएशन के तीन फेजेस होते हैं, प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फेज। मैंने असेसमेंट किस चीज़ की करनी है, किस सब्जेक्ट की करनी है, उर्दू की करनी है, किस ग्रेड में करनी है, तीसरी जमात में करनी है, किन ऑब्जेक्टिव्स की करनी है, मैंने बच्चों से वाहिद जमा या मुज़क्कर मुअन्नस जो मैंने उनको कराए हैं पिछले 3 दिन मैंने उनकी असेसमेंट करनी है, उस पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब जो है मैंने पता चल गया, क्लास का पता चल गया, सब्जेक्ट का पता चल गया, ऑब्जेक्टिव्स का पता चल गया, SLOs का पता चल गया। अब मैंने डिसाइड करना है, प्लान करना है कि मेरा टेस्ट सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, फिर मैं टेस्ट भी बना लेता हूँ। ठीक है जी, टेस्ट बन गया, बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया गया, फिर आप अगले दिन क्लास में जाते हैं, आप उसको कंडक्ट करते हैं जो भी आपने टेस्ट बनाया हुआ है। तो ये दूसरा फेज़ हो जाएगा प्लानिंग, सॉरी प्रोसेस फेज़। देन आता है प्रोडक्ट फेज़, अब इसमें आप उसकी स्कोरिंग करते हैं, उस स्कोर को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो है रिजल्ट्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं। ये भी सवाल आज आपके क्वेश्चन में था जो हमने प्री टेस्ट मैंने आपका भेजा था, तो मेजॉरिटी ने जो है वो पाँचवा लगाया हुआ था, पाँचवा फेज, हालांकि इसमें था ही नहीं पाँचवा जी। ये हमारा जी 2 दिन का डेमो सेशन था, ये एंड हो गया है। तो आपके कोई आज के दिन के हवाले से कोई सवालात हैं, जनरल क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। रेगुलर सेशन हमारा इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन है, हम फीस सबमिशन का टाइम रखेंगे, 8,000 सेशन की फ़ीस होगी जिसमें जोन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट बुक जो है वो आपको आपके होम एड्रेस पे प्रोवाइड की जाएगी, और से सुन लीजिएगा सब्जेक्टिव बुक होम एड्रेस पे दी जाएगी, डेली ऑनलाइन लेक्चर होगा, लेक्चर की टाइमिंग रेगुलर स्टूडेंट जो रेगुलर ग्रुप में शामिल होंगे उनकी मुशावरत के बाद, जैसे इस डेमो का हमने टाइम सेट किया था, आप लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, जितने मैक्सिमम लोग जो थे वो 8 to 9 PM के उस पर हामी थे, सपोर्टर थे, तो फिर ये टाइम हमने सेट कर लिया था। इसी तरह रेगुलर सेशन का भी टाइम आप लोगों की जो मेजॉरिटी की राय होगी, होपफुली यही टाइम ही होगा क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट को यही टाइम सूट करता है, तो ये टाइम होगा। उसके बाद डेली लेक्चर, डेली उसका क्विज़, डेली जो है वो रिकॉर्डिंग, ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मैंने बताया हुआ है, कल भी बताया था कि टेस्ट सेशन अलग से भी होगा, साथ साथ भी ये कंटिन्यू रहेगा, और जो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट किसी बैच में रिवीजन करना चाहेंगे तो वो भी दोबारा रजिस्ट्रेशन किए बगैर करा सकेंगे, और जिनको अल्लाह ताला टेस्ट में कामयाब फरमाएंगे
तो उनको इंटरव्यू के लिए भी अलग से कोई रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करना पड़ेगी। सर इसकी फी कितनी है सर? 8000 की डिटेल बता दें सर। जी 8000 फीस है और ये वन टाइम होगी। सर पूछना है, इस बैच का ड्यूरेशन, मैंने 2 माह लेक्चर रखे हुए हैं, 1 माह टेस्ट का रखा हुआ है, टोटल ये 3 माह के सेशन हो गए। सर ये फीस है ये वन टाइम तीनों मंथ की है? हाँ जी टोटल फीस आपकी है। अच्छा सर, और सर इंस्टॉलमेंट की सहूलत है कि 3 मंथ जो हम आपके पास एंगेज होंगे तो? हाँ वो जिनको मसला होगा उनके साथ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जिनको इस तरह के इश्यूज हैं वो कठिन ही पे कर सकते तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में कर लेंगे। तो वैसा, और इसी इंस्टॉलमेंट इसी फीस में बुक हमें प्रोवाइड की जाएगी? जी मैंने बताया है कि 8000 में आपको एक सब्जेक्टिव बुक जो है वो आपके होम एड्रेस पे भेजी जाएगी। सब्जेक्टिव बुक मैंने बहुत थोड़ी मेरे पास बची हुई हैं, तीसरे एडिशन में मेरी तमाम बुक शॉप से भी ख़त्म हो गई हैं। इवन मैंने 2 बुक शॉप्स पे 6-6 मौजूद थी वहाँ से मंगवाई हैं, इसलिए कि जो स्टूडेंट अभी मुझे ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए एटलीस्ट बुक्स मेरे पास हों। तो बुक्स बहुत थोड़ी पड़ी हुई हैं, जितने स्टूडेंट के लिए हो सके इंशाल्लाह उनको मैं दे दूँगा, बाकी फिर नया एडिशन जैसे ही आएगा उनको फिर मैं बाद में दूँगा। तो ये पहले आइए पहले पाइए वाली बात होगी। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा ली कोई 60 के करीब नहीं, कोई 40 के करीब बुक्स मौजूद हैं, बाकी 100 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रेंथ रहती है नॉर्मली एक सेशन की। तो बाकी लोगों को या तो ऑब्जेक्टिव एडिशन आ जाएगा पहले तो वो मैं दे दूंगा, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव दे दूंगा, वो फिर देखेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेट होगी। जी सर पूछ रहा है ये जो बुक की आप कह रहे हैं कि ये 3rd edition वाली बुक है ये तुम्हारे पास है? हाँ अच्छा, जिनके पास ये बुक है ना ऑलरेडी उनकी 1000 फीस में कंसेशन होगी, यानी उनकी फीस 7000 होगी, 8000 नहीं। जिनके पास ऑलरेडी है या जो चाहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इस बुक को पढ़ने की, या वैसे किसी और कोई और बुक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो वो अगर चाहते हैं तो उनकी भी 1000 फीस के अंदर कंसेशन होगी। सर एक दफा फिर रिपीट कर दीजिएगा कि आपने ये बताया है कि ये जो ड्यूरेशन है ये 3 मंथ का चलेगा और इसमें 1 मंथ आप ये लेक्चर देंगे, दूसरा मंथ आप टेस्ट लेंगे, तीसरे मंथ में सर क्या होगा? 2 माह लेक्चर 1 माह टेस्ट। सर हाँ नया सेशन फिर जैसे ये एंड होगा इंशाल्लाह उस वक्त स्टार्ट होगा। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम टेस्ट सेशन में शामिल होना चाहें तो फी क्या शुरू होगा? 4000। जी कोई और सवाल? सर नया सेशन किस डेट से स्टार्ट हो जाएगा? नया सेशन कोई टाइम मेरा फिक्स नहीं होता, ये देखेंगे जैसे ये सेशन आपका एंड होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह समर वेकेशन के बाद ही होगा, सितंबर में जाके होपफुली। सर तो सर हमारे सिंध वालों के तो अभी टेस्ट 2 मंथ के बाद आ जाने हैं, तो फिर हम तो लेट हो जाएंगे सर। लेट क्यों हो जाएंगे? अभी आप लोगों का सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा परसों से, आप ज्वाइन कर लें। जी 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 सर यही पूछना चाह रही हूँ कि परसों से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा? परसों वाला जो स्टार्ट हो रहा है आपने नया सेशन को, ये तो स्टार्ट है, ये तो समझ लें कल से स्टार्ट हो चुका है हमारा। जी सर आइए। ठीक है सर, ठीक है सर। फीस का प्रोसेस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप में से जो ज्वाइन करना चाहते हैं जो ये जिनको कोई जी जी शेयर कीजिएगा, तो मैं लास्ट टाइम भी मैंने किसी और से ईजे पैसे से आपको पैसे भेजे थे बुक मंगवाने के लिए, तो काइंडली अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिएगा ताकि आपको ना इजीली बैंक से बैंक में ट्रांसफर किए जा सके पैसे। मुझे बैंक का 3 अकाउंट नंबर शेयर करूंगा जो आपके लिए फिजिबल हो उसी में ट्रांसफर करवा देंगे आप। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। पूछना है कि एक सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो 3 माह बाद दोबारा शुरू होगा, अगर हम कुछ रह गया है समझने वाला तो उसमें फिर फीस का क्या सीन होगा? आप सारा दोबारा वो सेशन अटेंड कर सकते हैं बगैर किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। अच्छा यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? जी जी
एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भी आप कर सकेंगे। इसका साइड इफेक्ट ये है कि लोग जो है ना वो एक चैप्टर, दो चैप्टर, चार चैप्टर बड़े रेगुलर होकर पढ़ते हैं, फिर कहते हैं अच्छा चलें अगला सेशन स्टार्ट जो होना है तो उसमें कर लेंगे। तो इसका नुकसान मुझे तो खैर नहीं होता, बट आप लोगों को ये होता है कि फिर कहते हैं कि चलें फीस तो हमारी रजिस्ट्रेशन तो हुई हुई है, अगले किसी बैच में हम कर लेंगे। तो अगर इस तरह का माइंड सेट अगर आप बनाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर अगले सेशन में भी नहीं होगा, उससे अगले में भी नहीं होगा, उससे अगले में भी नहीं होगा। मैंने बताया हुआ है ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि जो मेरे स्टूडेंट जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन फीस पे हुई हुई है वो मुझे अपना नेम और बैच नंबर बता देंगे, मैं इधर से कंफर्म कर लूंगा, तो उनको जरूरत नहीं है। जी मैंने आपके तमाम जो ग्रुप का बताया। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सर, फिर इसे सर इसे हिसाब किताब से सर, ये जून की आज हो गई है 13 और जून की 13